अमरोहा पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना में वाहन से चल रहा बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मामला अमरोहा जनपद का है, जहां पर गुरुवार की रात्रि को थाना मंडी खनौरा पुलिस द्वारा ग्राम टिंगरा की ओर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया गया, जिस पर बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते में फिसल कर गिर गई। पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नजर फायर किया गया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया। आज रात्रि में मंडी धुनौरा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान जब दो व्यक्तियों को बाइक सवार रोका गया तो उसमें उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पता चला कि 21 अक्टूबर को मंडी धनौरा में जो लूट हाउस रॉबरी की घटना हुई थी, उस दौरान ये व्यक्ति उस घटना में शामिल था। इस व्यक्ति का नाम शाहरुख पुत्र ताहिर, ये रहने वाला नौगांव सादात का है। इससे बरामद एक लूट में प्रयुक्त अपाचे, एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, लूटे हुए नकद एवं इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो इसके विरुद्ध टोटल 6 मुकदमे पाए गए हैं। इस घटना में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।